यहाँ के लोग भाई बहुत एटू है यार, बताऊंगा तुम्हें, आराम से बात बताऊंगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह निक भाई मेरे को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे अपनी BMW 7 सीरीज में, जिसने हमें बीटी दी थी। इस वाली गाड़ी ने हमें बीटी दी थी एक बारी। भाई इसका 0-100 कर रहे हैं, कर दो स्टार्ट भाई। 3-2-1 6.5 सेकंड भाई हुआ भाई। अरे आराम था भाई, आराम था। फटकी 6.5 सेकंड में गाइस 0-100 कंप्लीट करते हुए। फिलहाल का सीन ये है कि एयरपोर्ट उतरूंगा मैं, सोया नहीं रात को यार। हम लोग है ना कुछ डिस्कस ही कर रहे थे, तो फिर भी सो लिया 1-2 घंटे और मैं फ्लाइट में सो लिया। हम ना सोए, हम जा रहे गोवा। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। ये भी आएगा, 2 दिन बाद आएगा शायद। तो सीन ये है कि फ्लाइट में सो जाऊंगा और जाते मेरे को चेक इन करके एक जगह जाना भी आएगा, तो तुम देखना इस वाले व्लॉग में बने रहना, ठीक है। तुम्हें तगड़ी तगड़ी चीजें दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है भाई। थोड़ी मीटिंग निपटानी है, ये 7 सीरीज लेके घर पहुंच जाओ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो भाई लेट्स गो कर देता हूँ, फटाफट चेक इन करा के कुछ खाऊंगा, सो जाऊंगा, एडिट भी करनी है यार। सो गाइस चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया। सिक्योरिटी चेक पर इतनी भीड़ है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत भीड़ है भाई। प्यास लग रही है, पहले पानी की बोतल लेता हूँ, फिर स्टारबक्स की कॉफ़ी उठा के एडिट पे लगा के अपलोड करके फिर बैठूंगा प्लेन में यार, क्योंकि व्लॉग जो कल आपने देखा होगा वो मैंने एयरपोर्ट पे अपलोड किया है। पानी उठा लेता हूँ एक। ये हमेशा नू ही चढ़ाव है, नू ना इसने कनेक्ट कर दे वहीं से। आखिरी सीट है भाई यार, विंडो है, मिलेगी तो मांग लू, छीन लूंगा जिसकी भी विंडो है। सोने जा रहा हूँ अब, ठीक है गाइस, गुड नाइट, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। रात को ना सोया, छोरी बैठी है परली साइड, सनलाइट छुपा रही थी। हम कहा मेरे मुंह पे मारो सनलाइट सारी, और अंकल के पे भी मारो, हम दोनों बेस्ट बडीज बन चुके हैं गाइस। जस्ट लैंड कर रहा हूँ और बस सो गया था मैं तो फ्लाइट में बैठते गैली। मेरे गैल वाला अंकल था ना, उसने आलस चढ़ा दिया मेरे को यार, मेरे को भी, तो मैं भी सो ही गया। और फिलहाल है ना मैं गोवा लैंड गया हूँ, और मैं पहली बार इस वाले एयरपोर्ट में लैंड गया हूँ। गोवा पहली बार लैंड नहीं गया पर इस वाले एयरपोर्ट पे, तुम्हें नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता था, गोवा पे एक और एयरपोर्ट खुल चुका है, इसका नाम है वो मोपा में खुला है, और ये 5 जनवरी को खुला है, समझ रहे हो। तो नया एयरपोर्ट है नॉर्थ गोवा में, पहले डेबोलिम से आना पड़ा करता, तो सेकेंड एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो चुका है, और इससे भी मतलब लगेगा तो 1 घंटा ही, और भैया कि 5-7 किलोमीटर पास पड़ जाएंगे बाकी पूरे नॉर्थ गोवा के होटल्स और ये सारे, क्योंकि पहले डेबोलिम से पूरा घूम कर आना पड़ेगा, तो साउथ में जाऊँ, ये बड़ा थोड़ा नॉर्थ की साइड है, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, ये कुछ सीखने को मिल गया आज तुम्हें भी। जुकाम हो गया यार, पता ना हालत मतलब तबीयत से भी ख़राब होगी, सोऊंगा थोड़ा सा होटल जाके, और जो भी सीन बनता है मैं बताता हूँ आपको। भाई मैंने थारता एयरपोर्ट दिखाया, कति बंजर पड़ा है, नया नया खुला है ना, इसमें पेड़ पाट भी ना है, देखो पानी देते रहे हैं। नू लगा जन तो मतलब दुबई से की कॉपी कर रखी है उनके, जैसे डिप अप अराइवल्स थे ना वैसे इन्होंने अराइवल करने की कोशिश करी है, पर हो नहीं पाया भाई उसे, कोई बात नहीं, बड़े अच्छा लग रहा है पर। और फिलहाल हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एक में, और 1500 रुपये ले लिया यार मेरे तय भाई, सुबह आते आते 1500 रुपया ले लिया कि वहाँ तक छोड़ने के, तब ना 1500 रुपये लेंगे भाई हम। और ये वासन लाग रहा भाई, भाई क्या हाल है तुम्हारे, ओए भाई क्या हाल है, ओले ओके, क्या नाम है तुम्हारा, अमित। ले भाई अमित नाम है इसका, भाई का अमित बढ़ाना भाई। होटल चल के मिलता हूँ यार, मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर गाइस, ठीक है चलो। गाइस व्हाट्सअप, यो अपना भाई होटल है 2 दिन ताई, फिर 2 दिन के बाद अलग है, तो नहा धो के मस्त सेट हो गया हूँ, अभी मेरी गाड़ी आ रही है मतलब मंगाली, और कौन सी आ रही है तो मैं दिखाता हूँ कौन सी आ रही है। डीपी भाई भी आ रहे हैं, डीपी भाई के साथ लंच करने जा रहा हूँ, वो वहाँ आ रहा है साउथ साइड जा रखा था, कह रहा भाई कुछ खा पी लेते हैं, मैं कह रहा हूँ हमने वहाँ निकलना है, अरे रात को एक और मीटिंग है बड़े वाली, मतलब बड़े वाली तो क्या ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है तो वहाँ भी निकलना। बाकी भाई गोवा में ना बहुत गर्मी है भाई, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिजॉर्ट, दिखाता हूँ, रूम टूर भी नहीं दिया, दिखा दूंगा सब दिखा दूंगा, डोंट वरी, लाइक कर दो पहले तो तुम, ठीक है सब कुछ दिखाऊंगा गोवा का A to Z। गार्डन सा आएगा हमारे रिजोर्ट का, वहाँ से एक रूम है मेरा, बढ़िया गार्डन का भी आ जाओ, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ बस, गाड़ी आ गई आएगी टोयोटा लीवा, एक बार भाई ने कही वीडियो बना लो, कहते बाद में ठोक ठाक के लिया हो तो
भाई देख लो यहाँ पे भी गैप है थोड़ा सा, कदम मर तक बाद में है ना। फिर कई भाई यार तुम कह रहे हैं कि ठोकला इसलिए पहले वीडियो बना लेनी चाहिए अपनी। टोयोटा आ गया कि यार भाई इसका पेट्रोल वेट्रोल कहाँ तक डालेगा, पेट्रोल हम तो भरवाऊँ है। अरे यार भाई हमने मिल लिया 1200 रुपया में एक दिन का, तो मैंने चाहिए 3-4 दिन तक भाई तक कर लिया है कि बढ़िया डील 1200 में ही दे रहे हैं। भाई ने क्या कुछ तोड़ा ना, मैं कहा चलो कोई बात ना हांड ले आऊँगा यार। दुकड़ो क्या ना एक्टिवा पालने का मौसम ना, गर्मी घनी ज़्यादा हो रखी है। लाओ भैया चाबी सौंप दो हमें, आपको कुछ देना है क्या पैसा भी? पेमेंट देना है। कितना? आईडी देना है ड्राइविंग। भाई ऑन कर दे गाड़ी ना सिस्टम। जूते देखे मेरे तुमने? ले भाई नए जूते हैं गाइस। अरे थोड़ा क्लच तो टाइट साइज का कति तेल एम्प्टी करके दे भाई, देखो इतना वो है सिस्टम इनका, कति एम्प्टी करा कर सर भरवाना पड़ेगा, आप चले जाओ। मगर चलते हैं भाई, तो पेट्रोल पंप पहले पेट्रोल पंप चलते हैं फिर डीपी के पास चलते हैं कुछ खाने पीने, और क्योंकि उसके बाद ही है मेरी मीटिंग तो पहले कुछ खा लेता हूँ मैं, भूख लग रही। सुबह तो स्टारबक्स पे ही खाया था वहाँ एयरपोर्ट से, मैंने ज़्यादा व्लॉग ना करा क्योंकि सोया ना था मैं रात में, थोड़ा टायर्ड अप सा था, तो अभी मैं नहा लिया हूँ थोड़ा तो वो खुली। और बाकी यार गला सा ख़राब भी हो रखा है, ठंडा कुछ पी नहीं पाऊँगा यहाँ पे यार। खराब भी और निकली गाड़ी में, देखो इसके स्टेयरिंग पे आवाज़ आ रही है, तो कहते बाद में भाई मेरे तक है जूते की चप्पल में चला जाता हूँ, पर नहीं जूते गंदे करवाने की आदत भी तो है मुझे भाई। खाना आया था, रास्ता मिल जाए बस मेरे को पक्का ले भाई मिंगली का। हाँ जूते आज ही गंदे हो जाएंगे। ले भाई समुंदर यो देख लो, इसको देखने के बाद तो आत्मा तृप्त हो जा। यार कोई दारू पी रहा है, पता ना कौन पी रहा। यदि गाड़ी की चाबी कुछ खान ना मंगाऊँ, जब तक मैंने अपना खाना ऑर्डर कराया मतलब दाल चावल है, जब तक डीपी से मेरी बात हुई, मैं कहाँ रहेगा भाई, कह रहा मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ यार। मैं कहा गोवा में अभी आके तो पिक्चर देख रहा है तो क्या करना आया भाई, मैं तुम बता। भाई देखो गोवा का हिसाब बताता हूँ मैं तुम्हें, इस टाइम गर्मी है तो गोवा में तो दिन में निकलने का फायदा है ही ना। मेरा डीपी का फ़ोन आ रहा, अभी जाऊँगा उसके पास जाऊँगा। गोवा में सुबह शाम को शाम तक सो 3-4 बजे तक, ठीक है घूमने आ रखे हो तो काम कुम के लिए आ रखे हो तो ऑब्वियसली उठना ही पड़ेगा। 6 बजे निकलो सामने और सुबह 6 बजे घुसो फिर, ठीक है क्योंकि दिन में तो भाई ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पे, इतनी गर्मी में थोड़ी मरेंगे यार। बहुत गर्मी हो रखी है भाई, भयंकर गर्मी पड़ रही है भाई, मजाक से अटके पसीना छूट गया बैठे बैठे। लो बाकी भाई घड़ी है, रात में खचम खच भरी पाऊंगी, पहन रहा हूँ बेल्ट भी पहन रहा हूँ भाई, बेल्ट पहन के होटल पहुँच के थोड़ा सो लूँगा फ्रेश वगैरह हो लूँगा फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस सिस्टम डीपी मिल गया, डीपी कई दिन से आ रखा है यहाँ पे अपने कॉलेज वालों के गैल। मगर भाई तेरे 1-2 दिन बच रहे, हमारे गैल भी बैठ ले भाई, तो जब तेरे उन्हें छोड़ तेरे दो राव कोई दिक्कत जी ना लग रहा तो भाई भाई वैसे तो एक बार बताऊँ यहाँ पे तो ना सर्द गर्म बन गई, मेरा तो यार जुकाम बढ़ गया, मेरा तो दाग ही बंद है। तो कल यहाँ पे हम कुछ खाने पीने आए सुबह से, मैंने थोड़ा सा खाया था शेक पे, पर यहाँ पर हम का बैठ लेते हैं थोड़ी देर पतिया लेते हैं, क्योंकि बाहर तो जाके भाई शौक को इतनी गर्मी मैं के बताऊं, वहाँ पे वे बैठे हैं अंग्रेज धूप सेक रहे हैं के स्वाद आ भाई तो है। और वहाँ पे खचन लग रहे बियर ही बियर खाए 6-7 बियर, और वो ले रहे कवर उस चीज का, बियर का भी कवर ले रहे हैं अलग कवर था भाई। चलो गाइस खा ले, यहाँ पे कुछ खा पी ले मैं फिर मिलता हूँ। खा लिया आएगा मलाई के भाई, हमने कही मैं भैया वो कह रहा है रिव्यू डाल दो, हमने कहा भैया काम करो 10% ऑफ दे दो हमें, पर तुम्हें मिठाई देता हूँ फ्री की, और मिठाई में वो खुला दी मलाई मलाई मीठी मलाई जो ब्रेड के बीच में घर पे खाए करे ना, और उसको स्वीट कहे हुए। मगर चलो ठीक है कोई बात ना भाई, बेचारे ने दी उसके लिए थैंक यू। पता तो एक बात बताऊँ, गोवा में आके तेरा सहारा से मिलो ना अच्छा सा लगन लगा है ना, यहाँ के लोग भाई बहुत एटू है यार, बताऊँगा तुम्हें आराम से बात बताऊँगा। वो देख लो यहाँ पाया था एक बारी ये कीड़े मकौड़े कि भाई आगे तक क्या भीड़ है भाई, कोई जगह नहीं छोड़ रखी, इतना तगड़ा क्राउड है, इतना तगड़ा क्राउड है, भिंडी मार की टोरी है। देखिए कितना कीड़े मकौड़े से लोग ना दूर तक, वहाँ तो बागा वाली साइड पूरा कनेक्टेड है ना भाई। अरे यहाँ पे गंदगी भी तो कर दे यार, ये गलत बात है ना, देखियो कितनी गंदगी कर रखी है। अभी ध्यान दिया घर पे पता ना था के ना ले जाओ, अपने गाड़ी में गिर लो इन्हें यार। भाई यहाँ आया था एक बारी मैं सो गया था, उसके बाद एक मीटिंग करने आ गया गाइस, पहचानो इस जगह को, यहाँ तय फटाफट करके काम अपना फिर चले भाई, फटाफट निपटा लेता हूँ मैं। ऐसी फेरी जो है जो लेके जाएगा, अब मैंने जाना आएगा कित गया सबसे बड़ा जा, और डेल्टिन रॉयल है आगे ना, ये छोटे मोटे वाले आएंगे अभी डेल्टिन में, कैपरिन मैंने जाना मैं आगे जाना है, तो ये सिस्टम है भाई। चलें फटाफट आराम है फिर उल्टा। तो भाई सो के उठ गया हूँ, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गया था ठीक है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है।
ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ अब, कुछ भूख लग रही है, नहाया भी ना हूँ, मुँह भी ना धोया मैंने, ऐसे कैमरा खोल दिया, कोई दिक्कत ना, तुम समझ जाओगे यार, तुम मेरे भाई हरी हो सारे, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो करना ना बोलना, गोवा वोवा की स्टोरी डाल रहा हूँ, अगले 2-3 दिन गोवा के व्लॉग देखना। आज जो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, कल मज़ा आएगा तुम्हें, कल वाले व्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा। ओके, सी यू, बाय।